ये मंगलवार का ही ब्लॉग थोड़ा सा रह गया था दोपहर का, तो बस काम वगैरह करने के बाद सीधा मैं नहाने चली गई थी। तो नहा के बस मैं अब पूजा का काम करती हूँ, तो मैं सारे भगवान के बर्तन उठा लाई और कुछ नींबू ना पुराने से हो गए थे तो बस मैंने ना उनको निकाल के एक अलग से रख लिए हैं, तो ये भगवान के बर्तन वगैरह धोने के अच्छे से काम में आ जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि मैंने ये कुछ अपने लिए थोड़ी सी दाल है और दाल का तो मैंने तुरंत बता दिया कि मैंने दाल मूंग की भिगोई है थोड़ी सी, और जो दूसरा अनाज भिगोया है ना उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि ना ये जो अनाज मैंने मंगाए हैं तो बड़े ही उनके नाम कठिन कठिन से हैं। ये क्या है? यह वो वाली लैया खत्म हो गई, खत्म वो जो दिवाली पे आई थी, अब ये वाली शुरू हो गई। सब्जी इस टाइप का मील मैं वो नहीं कर पाती, जल्दी से मेरा पेट वो हो जाता है, भारी हो जाएगा और बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। उन लोगों को ना एक टाइम दोपहर में लस्सी और खिचड़ी, ये जीरा मैंने साबुत भून के रख लिया, जब मुझे डालना हुआ तब मैं डाल लेती हूँ। डाल लिया खिचड़ी तो नॉर्मली रोज रोज आप दाल चावल वाली नहीं अच्छी लगती है, तो अनाज आते हैं कई प्रकार के, जैसे कोदो और मूंग मैंने एक बार वीडियो में दिखाई थी। और जिन लोगों को अपना वजन कम करना हो
और ये इतना हेल्दी होता है फूड, तो बहुत फायदा करता है ये वाली खिचड़ी बहुत फायदा करती है। बच्चे नहीं खाते हैं ऐसे, और बच्चे तो खा भी लेते हैं जैसे, ये मेरे यहाँ नहीं खाते हैं ज्यादा, ये बच्चों को भी बहुत फायदा करता है ये। तो आज मैंने बनाया था, आज मैंने कोदो की नहीं, आज मैंने बनाई है वेंजोए, ऐसी करके है कुछ, आज इसकी है खिचड़ी मूंग। इसमें सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो सब्जियां वगैरह की नहीं इतनी, लौकी बड़ी थी तो लौकी मन नहीं हो रहा था डालने का, और गाजर वगैरह जैसे एक बार मैंने गाजर डाल के बनाई है, अब गाजर है नहीं, अब मंगाऊंगी सब्जियां इसे खत्म है। तो आ जाइए खाते हैं, जिन लोगों को अपना वजन कम करना हो तो वो लोग भी एक टाइम खिचड़ी खा के वजन कम कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, इस खाना ना खाना उससे हमें वीकनेस आ जाती है, और इस वाले फूड से हमें वीकनेस भी नहीं आती, और हमारा वजन भी कम हो जाता है। बहुत हेल्दी फूड होता है ये, लगता है कि खिचड़ी है लेकिन बहुत हेल्दी होता है। और पीहू अभी, पीहू सही से बैठो, पीहू अभी नहीं खाएगी क्योंकि पीहू सिस्टी दीदी आ जाएंगी तब खाएंगी मैगी। क्यों पीहू, पीहू क्या खाएगी जब, मैगी। और आजकल मैं नीचे बैठ के खा रही हूँ, खिचड़ी खानी है पीहू नहीं खानी, नहीं बंद कर दो। खाना तो खा लिया है, खिचड़ी भी खा ली है, अब सिस्टी आएंगी तभी इन लोगों के लिए मैगी बनाऊंगी। चलिए अभी टाइम है सिस्टी को आने में, आधा घंटा है, तो तभी मिलते हैं आपसे। और मैगी वगैरह भी लेनी वहीं से खरीद लूँगी, सिस्टी को लेने जाऊंगी तो मैगी भी वहीं से खरीद लूँगी। तो चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। चटाई पे बैठ के खाना खाने में बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कुर्सी पे बैठ के खाओ ना तो ये चीज़ ऐसे झुक जाती है, इस पर ना स्ट्रेट होके खाना खा लेते हैं ऐसे, नीचे बैठ के खाओ तो ये पीठ हमारी थोड़ी स्ट्रेट रहती है, चेयर वगैरह पे खाओ तो ऐसे हो जाता है थोड़ा। मैं ले आई सिस्टी को और ये सामान भी ले आई, विम ख़त्म हो गया था, इन लोगों के चिप्स के पैकेट और एक मसाला है और ये मैगी। हाँ हाँ धुलिए। ये छोटा सा ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।